गाइस 2023 चल पड़ा है और एप्पल का आईफोन 14 में लॉन्च हो चुका है, पर अभी बहुत सारे लोग एप्पल के आईफोन एक्स पर इंटरेस्टेड रहते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इसे लेना चाहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कम प्राइस में मिल जाता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि आईफोन एक्स 2023 में लेना सही रहेगा या फिर नहीं। अगर हम iPhone X की लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2017 में ये लॉन्च हुआ था। अभी 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इसे लॉन्च हुए और इसके उस टाइम की प्राइस की बात करें तो 89,000 के आसपास ये मिलता था। बहुत ही तगड़ा फोन था और काफी ज्यादा पॉपुलर था अपने टाइम में। और अभी इसकी प्राइस की बात करें तो अभी ये 20,000 से 25,000 में बहुत इजिली मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन मार्केट में भी। डिपेंड करता है कि फोन की कंडीशन कैसी है। और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इंटरेस्टेड हो iPhone X को लेने के बारे में क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बारे में बात करते हैं। तो iPhone X की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है। साइड की फ्रेम स्टेनलेस स्टील देखने को मिलती है जो कि अब हमें Apple से प्रो मॉडल्स के अंदर देता है, जैसे iPhone 14 Pro हो गया, 14 Pro Max हो गया, फिर 13 Pro। तो स्टेनलेस स्टील हमें iPhone X में देखने को मिल जाता है, पर उसकी थोड़ी सी दिक्कत है, स्क्रैच भी थोड़े जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई ढंग से केयर नहीं करता है तो स्क्रैच आ जाते हैं, पर उसका भी सोल्यूशन आप थोड़ी वो रबिंग करवाओगे तो वो ठीक हो जाते हैं। फ्रंट और बैक दोनों ही ग्लास की बनी हुई है, उतनी ज्यादा सॉलिड भी नहीं है उस टाइम के हिसाब से, पर फिर भी अगर आप अच्छे यूज करोगे तो इजिली टूटने वाली भी नहीं है। और IP67 की रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस के साथ में आती है, मतलब प्योरली वाटर प्रूफ तो नहीं है पर फिर भी आप पानी के अंदर 1 मीटर के अंदर रख सकते हो 30 मिनट तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा रखोगे तो एप्पल गारंटी नहीं लेता है। तो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ठीक है, लुक्स एंड डिजाइन भी इसकी ठीक है देखने में और हाथ में पकड़ने पर भी काफी ज्यादा कंफर्ट फील होता है। पर गाइस इस फोन में एक सबसे बड़ी कमी लगती है जो कि है इसमें आपको सिर्फ एक सिंगल सिम देखने को मिलती है, आप दो सिम यूज नहीं कर सकते हो। और उसके साथ में हम सिम की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क की भी बात हम कर ही लेते हैं। ये एक 4G फोन है, 5G आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आगे फ्यूचर जो वो 5G का है, काफी सारी सिटीज में 5G आ भी चुका है। तो फिर अगर आप इस फोन पे पैसा लगाते हो तो आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा, और इतना पैसा अगर आप किसी एंड्रॉइड फोन में लगाओगे तो आपको 5G भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आपने देख के चलना है अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो। और अगर आपने मन बना ही लिया कि आपने ये फोन ले ही लेना है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे आपको खराब फोन ना ले लो। अब गाइस इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 5.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है और ये एप्पल का पहला फोन है जिसमें आपको नॉच वाला डिजाइन देखने को मिला था, मतलब फेस आईडी साथ में ये पहला आईफोन आया था एप्पल का। और इसके बेजल्स काफी ज्यादा पतले किए थे एप्पल ने पहले के मुकाबले, पर फिर भी बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम के हिसाब से आपको थोड़े मोटे लगेंगे। और ये एक ऑलेड पैनल है जो कि काफी अच्छी क्लियरिटी देता है। और उसके साथ में अगर हम ब्राइटनेस नीड्स की बात करें तो 625 ब्राइटनेस नीड्स देखने को मिलता है जो कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो आपको इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस वो कम लगेगी। अब गाइस अगर हम कैमरा की बात करें तो इस रेंज में अगर आप एंड्रॉइड फोन की तरफ जाते हो तो आपको 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा बहुत इजीली मिल सकता है, पर इस आईफोन एक्स में सिर्फ आपको बैक साइड में 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते हैं, पर क्वालिटी अभी भी काफी ज्यादा अच्छी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक हमारा मेन नॉर्मल कैमरा लेंस रहने वाला है और दूसरे वाला टेलीफोटो लेंस है जो कि 2x तक का अच्छा फोटो क्लिक करके दे देता है। फ्रंट कैमरा इसका उतना भी अच्छा नहीं है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का यूज किया है तो फ्रंट की उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आती है और किसी भी कैमरा में आपको नाइट मोड देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी एक कमी है। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60fps और साथ में OIS के साथ में आते हैं, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब वीडियो जब आप बनाओगे तो काफी अच्छी क्वालिटी की बनेगी और स्टेबलाइजेशन भी उसकी काफी अच्छी रहने वाली है। और फ्रंट कैमरा से आप फुल HD तक की वीडियो बना सकते हो, मतलब 1080 पिक्सल तक। अब गाइस कैमरा के बाद अगर हम इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बात करें, अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेमिंग के लिए आप लेने की सोच रहे हो iPhone X तो फिर कैसा रहने वाला है, तो इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो A11 आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा एप्पल का। स्पीड उसकी ठीक है पर उसके साथ में यहाँ पर 3GB की रैम देखने को मिलेगी, तो फिर जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है तो उतनी ज्यादा अच्छी आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप गेमिंग करोगे जैसे BGMI जैसे गेम अगर आप इसमें खेलोगे तो थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिलेगा और उतनी अच्छी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी, तो जो लोग ज्यादा गेमिंग करते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इससे अच्छा ये कि आप iPhone XR की तरफ जाओ, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो तो। और थोड़ी सी ये दिक्कत भी है इसमें, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो फोन जल्दी हीट भी हो जाता है, तो ये सारी बातें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और परफॉर्मेंस के साथ में जो यूजर एक्सपीरियंस रहने वाला है तो एक अच्छी बात है कि एप्पल का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, तो जो एप्स आप ओपन करोगे और बंद करोगे तो उसमें स्मूथनेस काफी अच्छी रहती है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। पर फिर भी अगर आपने 60Hz से ऊपर की डिस्प्ले आपने यूज किया तो हो सकता है आपको उतना मजा भी नहीं आए इसकी डिस्प्ले को यूज करने का, तो आपने ये भी देख लेना है। तो यहाँ पर मैं गेमिंग और परफॉर्मेंस की बात ही कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ, जब आप गेमिंग करोगे अगर आप कोई भी हैवी गेम खेल रहे हो तो फिर इसकी बैटरी भी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अगर आप कोई BGMI गेम खेल रहे हो तो आप एक मैच खेलोगे उसके बाद आपको चार्ज पर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2716mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ऊपर से स्लो चार्जिंग है इसमें, फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो फिर
ये भी एक दिक्कत आ जाती है इस फोन में। तो गेमिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ में अगर आप नॉर्मल भी डेली यूज करोगे तो आपको काफी सारी सेटिंग्स इसकी बंद रखना पड़ेगी, उसके बाद ये पूरा दिन निकाल के देगा, वरना आपको बड़ी दिक्कत आएगी, आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है ये फोन। और आपने अगर ऐसा फोन लिया जिसकी बैटरी पहले से कम है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। और बाकी इसके अलावा आपको फेस आईडी तो मिल ही जाती है सिक्योरिटी के नाम पर। और अपडेट्स की बात करें तो एप्पल 5 साल तक नॉर्मली अपडेट देता रहता है, तो इस फोन में अभी iOS 16 की अपडेट भी आ चुकी है, पर iOS 16 की अपडेट के बाद भी आपको सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ फीचर यहाँ पर कम ही रहने वाले हैं, और इसके बाद आगे की अपडेट शायद आपको ना ही मिले इस फोन के अंदर देखने को, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और अगर आपने प्लान बना ही लिया iPhone 10 लेने का, iPhone X लेने का, तो आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले आप जहां से फोन ले रहे हो आपने फेस आईडी चेक करनी है, उसमें फेस आईडी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, फिर उसके बाद आप उस फोन को हाथ में पकड़ो और उसके सारे फीचर्स चेक करो, सारे फीचर्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और डिस्प्ले को लेकर आपने सबसे पहले ध्यान देना है, उसमें ट्रू टोन को आपने ऑन ऑफ करके देख लेना है, क्या वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन इसलिए बेच देते हैं, रीजन ये होता है डिस्प्ले टूट चुकी होती है तो वो सस्ती डिस्प्ले डलवा देते हैं, तो सस्ती डिस्प्ले में ट्रू टोन काम नहीं करती है, तो आपने देख लेना है डिस्प्ले उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए। और फोन को एक बार ढंग से हाथ में पकड़ के उसके एज कॉर्नर वगैरह देख लेने, कहीं ज्यादा गैप तो नहीं है, मतलब आपने ये देखना है कि फोन कहीं ओपन तो नहीं किया गया है। अगर एप्पल के ऑथराइज केयर सेंटर में किया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से ओपन करते हैं, अच्छे से सर्विस करते हैं, और बैटरी वगैरह किसी ने चेंज करवाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर से करवाया होगा तो गैप रह जाता है। और उस फोन की बैटरी हेल्थ तो आपने देखनी जरूर है, नया फोन तो आप ले नहीं रहे हो तो 100% तो आपको मिलेगी नहीं, 100% तो मतलब बैटरी चेंज की गई है या फिर किसी डिवाइस की मदद से टेम्परेली इंक्रीज की गई है। और इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने IMEI नंबर भी एप्पल की वेबसाइट के ऊपर चेक कर लेना है कि फोन किस टाइप का है, रिफर्बिश्ड है या फिर ओरिजिनल है या फिर कैसा फोन है, वो भी आपने चेक कर लेना है। तो इन सारी बातों को आपने ध्यान रखना है अगर आप आईफोन एक्स लेने की सोच रहे हो, और मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन मार्केट से लो खुद चेक करके, या फिर आपका कोई जानने वाला है आपको पता है कि फोन की कंडीशन अच्छी है तब जाके लो, अगर आप ऑनलाइन लोगे तो हो सकता है कि आपको कोई खराब फोन मिल जाए फिर उसमें कोई दिक्कत हो, तो वो भी आपने देख लेना उसमें रिप्लेसमेंट वगैरह क्या क्या आपको ऑप्शन मिलती है ऑनलाइन ले रहे हो। तो गाइस एंड में मैं यही कहूंगा, अगर आप आईफोन एक्स को छोड़ के आईफोन 11 की तरफ जाओ तो वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा अच्छा कैमरा और भी चीजें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ, पर वो है कि आईफोन 11 में आपको 4G देखने को मिलेगा, उसके अलावा फोन आईफोन एक्स से तो काफी ज्यादा बढ़िया है वो, और प्राइस का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा जैसा अपना बजट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा फिर आप आईफोन 11 की तरफ भी जा सकते हो। जैसे ये आईफोन 11 मेरे पास अभी तक भी है और काफी अच्छे से काम करता है ये। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय।